रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में मनबड़ों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि एक युवक अभी भी घायल है। मिली जानकारी के अनुसार मनीष प्रजापति पुत्र श्रवण प्रजापति निवासी ग्राम पनगड़ी खुर्द थाना रामगढ़ताल वरदानी हॉस्पिटल के पास मॉडल शॉप के कैंटीन पर कैशियर के पद पर कार्यरत था। गुरुवार की शाम करीब 7 बजे के आसपास कुछ मनबड़ टाइप के बदमाश मॉडल शॉप पर पहुंचे और कुछ पैसों के लेन देन में कैशियर से भिड़ गए, जहां मारपीट से युवक लहूलुहान हो गया और उसके साथ का युवक रघु पुत्र दुखी राम यादव भी घायल हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी सीओ कैंट राहुल भाटी, रामगढ़ताल थाना प्रभारी के राणा, चौकी इंचार्ज रुस्तमपुर ने घायल मनीष प्रजापति और रघु को मेडिकल कॉलेज इलाज हेतु भेज दिया, जहां इलाज के दौरान मनीष प्रजापति की मौत हो गई, जबकि रघु की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर एडीजी अखिल कुमार, एसपी सिटी सोनम कुमार भी पहुंच गए और तफ्तीश शुरू कर दी, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मारपीट में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के माध्यम से बदमाशों की पड़ताल की जा रही है, जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, करने पीछे में पैसा लेते हैं तो सामान लेते हैं, उसके बाद सुबह मारे लोग मार के बस चले गए, क्या तुम्हें पता नहीं सारे की माता साफ हुई आज दिनांक 30/9/2021 को शाम को सूचना मिली, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में एक मॉडल शॉप है जहां पर पैसे के लेन देन के विवाद होकर के एक व्यक्ति की मार को पिटाई हो रही है। सूचना पर जब पुलिस पहुंची, व्यक्ति घायल था, उसे बीआरडी मेडिकल एक कॉलेज लेके जाया गया, वहां उसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभी अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, स्वाथ सर्विलांस की टीम लगाई गई है, फॉरेंसिक टीम से साइंसिक एविडेंस कलेक्ट कराए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही हम इन अपराधियों को पकड़ेंगे और इनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जो सर घायल है उसकी क्या स्थिति है? अभी उसकी स्थिति ठीक है, उसमें ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। क्या कुछ सुराग मिला है कि कौन लोग ऐसे शामिल थे? हाँ, इसमें एक हिस्ट्री सीटर का नाम आ रहा है, उसके भाई का नाम आ रहा है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं।